हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रेलवे की ओर से एक अप्रेंटिसशिप वैकेंसी निकाली गई है जो है आपकी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे यानी कि NCR। ठीक है, टोटल पद हैं इसमें आपके 1697। ठीक, यानी कि लगभग 1700 पद आपके इसमें हैं। ओके, तो बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी और कब से इसकी ऑनलाइन स्टार्ट है, कब इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, तो चलिए देखिए डियर, इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी कि स्टार्ट हो जाएंगे, ये है आपके 15 नवंबर से इसकी ऑनलाइन स्टार्ट आपकी हो चुकी है। ठीक है, और इसकी लास्ट डेट जो रहेगी आपकी, ये रहेगी आपकी 14 दिसंबर 2023। ठीक, यानी कि आप 15 से लगभग एक महीने का टाइम आपको मिला है यहाँ पर, तो आप 15 से 14 दिसंबर तक यानी कि 15 नवंबर से 14 दिसंबर तक आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ पर कैटेगरी की। तो कैटेगरी वाइज फीस यहाँ पर आपकी रखी गई है। जनरल OBC EWS वाले कैंडिडेट को यहाँ 100 रुपये पे करने होंगे। ठीक है, और SC ST PWD फीमेल कैंडिडेट जो हैं, इनको आपको कोई भी फीस पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, यानी कि ज़ीरो फीस है। जो आप कैफ़े पे जाएंगे, ऑनलाइन करने वाला आपके 50 या 70 रुपये लेता है, बस आपकी वही फीस जाएगी। बाकी आपकी एप्लीकेशन ऑनलाइन होने का जो इसमें मांगा जाता है फीस, वो आपसे नहीं मांगा गया। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट को यहाँ फीस नहीं देनी है। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन आपकी पेमेंट होगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एज लिमिट की बात की गई है, तो डियर आपकी मिनिमम एज यानी कि कम से कम आपकी 15 ईयर होनी चाहिए। ठीक है, और आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए आपकी 24 ईयर, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको 24 ईयर यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें कि OBC और ST SC वालों को यहाँ पर कोटा मिल जाता है एज लिमिट में। ठीक है, और यहाँ पे देखें एलिजिबिलिटी क्या है आपकी, तो ये है आपकी क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए 10th पास आप होने चाहिए, जिसमें आपके 50% मार्क्स होने अनिवार्य हैं। ठीक है, और आपका ITI का NCVT सर्टिफिकेट होना चाहिए इन रिलेटेड ट्रेड, यानी कि जो ट्रेड इसमें यहाँ दी गई है उस ट्रेड से आपका ITI से NCVT सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। मार्कशीट और सर्टिफिकेट दो होते हैं अलग अलग। ठीक है, ये आपको आपकी ITI से मिल जाएंगे या फिर आप अपनी ऑनलाइन इनको डाउनलोड कर लेना। ठीक, टोटल पद मैंने आपको बता ही दिए हैं कि 1697 पद हैं, यानी कि लगभग 1700 पद आपके यहाँ पर आपको दिए गए हैं। और ये है आपकी NCR अप्रेंटिस वैकेंसी 2023 क्वालिफिकेशन जो मैंने आपको बता दिया है। 50% मार्क्स आपके 10th में होने ही चाहिए। ठीक है, इससे कम वाले अगर कोई कैंडिडेट है तो वो ऑनलाइन नहीं कर सकता। ठीक है डियर, दूसरा आपका ITI के मार्क्स और 10th के मार्क्स प्लस होके, जितनी परसेंटेज आपकी है ये प्लस होके जो इसकी परसेंटेज निकलेगी, ये आपकी परसेंटेज होगी, इसी के आधार पर आपका यहाँ सिलेक्शन होगा, यानी कि मेरिट बेस पर इसका सिलेक्शन होगा, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, बात कर लेंगे अब ट्रेड की, किस ट्रेड को कहाँ पे कितनी सीटें मिली हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिवीज़न वाइज आपको दी गई हैं ट्रेड के लिए सीटें। तो ये है देखिए यहाँ पर प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज की बात की गई है, प्रयागराज डिवीज़न। तो यहाँ पर देखिए टेक्निकल फिटर के लिए जो है, ये है आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 137, OBC के लिए 90, SC के लिए 50, ST के लिए 25, EWS के लिए 33, और टोटल जो है यहाँ पर ये हो जाएंगे आपकी 335। ठीक है डियर, ऐसे बेल्डर के लिए यहाँ दी गई हैं, आप चेक कर सकते हैं, और कारपेंटर भी दिया गया है, पेंटर दिया गया है। आपके जो दिया गया है यहाँ से मैकेनिकल जो डिपार्टमेंट है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट के यहाँ पर आपको 4 ट्रेड यहाँ दी गई हैं, और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट आप यहाँ देख लेंगे, तो जिसमें दिया गया है आपको टेक्निकल फिटर, वेल्डर दिया है, और आर्मेचर विंडर दिया है, कारपेंटर दिया है,
ट्रेंड दिया है मशीनिस्ट है, पेंटर है और इलेक्ट्रीशियन है। ठीक है, तो बात कर लेंगे यहाँ पर कि फिटर के लिए कितनी है, तो ओबीसी के लिए यहाँ पर है 66, ओबीसी के लिए 66 नहीं होंगी, हाँ यहाँ पर देखिए ओबीसी के लिए 66 है, 66। और बाकी जो आपकी कैटेगरी है आप अपनी कैटेगरी वाइज चेक कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन जो ट्रेड है इसको देखिए यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी दी गई हैं, बाकी में यहाँ नहीं दिया गया है। ठीक है डियर, कहाँ से? प्रयागराज डिवीज़न से। ठीक है, अब बात कर लें झांसी डिवीज़न की, तो यहाँ पर भी आपको फिटर ट्रेड दिया है, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, डीजल दिया है, पेंटर दिया, कारपेंटर, और ये है आपका ब्लैक मिथ, और ये है वेल्डर आपकी। ठीक है, टर्नर ट्रेड है, मशीनिस्ट है, टोटल वैकेंसी यहाँ पर दी गई है आपको 528। ठीक है डियर, बाकी इसमें बात करेंगे अब यहाँ पर बक्सो झांसी है, तो इसमें भी आपको ट्रेड को मौका दिया गया है। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आप हमारी वेबसाइट पे जाके वहाँ से ये आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, कैसे आपको ऑनलाइन करना है ये सब आपको यहाँ पर बता दिया गया है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिसशिप 2023 सेलेक्शन प्रोसेस, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि 10th और प्लस ITI परसेंटेज के एवरेज मार्क्स के आधार पर मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी जिससे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है डियर, हाउ टू अप्लाई NCERT प्रयागराज अप्रेंटिसशिप ऑनलाइन फॉर्म 2023। ठीक, तो ये है आपका यहाँ पर कि रेलवे रिक्वायरमेंट सेल RRC नॉर्थ NCERT अप्रेंटिसशिप भर्ती 2023 में ITI उम्मीदवार 15/11/2023 से 14/12/2023 के बीच आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार NCERT रेलवे अप्रेंटिसशिप भर्ती 2023 में आवेदन करने से पहले नोटिफिकेशन पढ़ें। क्या क्या आपको यहाँ चाहिए होगा? फ़ोटो चाहिए आपके, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिएगा, और आपके सिग्नेचर ID यानी कि आधार कार्ड, और आपका एड्रेस, और बाकी जो इसमें डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे ITI और हाई स्कूल तो आपका लगेगा ही। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लें क्या क्या आपका मांगा गया है। ठीक है डियर, बाकी अगर आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो YouTube चैनल का लिंक हमने यहाँ पर दिया है, आप यहाँ क्लिक करके हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है डियर, और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक शेयर करें जिससे आपके फ्रेंड्स को भी इसका पता चले। ठीक है, वेबसाइट क्या है हमारी? देखिए वेबसाइट है हमारी, बता देती हूँ आपको, smallmisncvt.com। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप यहाँ से डायरेक्ट हमारी वेबसाइट पे जाके डिटेल चेक कर सकते हैं। ठीक है,